भैया ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये भैया सनमाइका लगाई जा रही है। और जी अच्छा, ये जो सनमाइका जो लगा रहे हो आप, इसको लगाते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? भैया ये ना एकदम प्लेन करके लगानी पड़ती है, वो बोर्ड पे भी लगानी पड़ती है और सनमाइका पे भी लगानी पड़ती है। ठीक है जी। और भैया और फिर अपना इसको एक एक जगह एक लेवल पे रख देते हैं, जिससे कि ये दोनों एक लेवल रहे इसका एक जैसा। अच्छा, मतलब लेयर को एक लेवल करना पड़ता है। और अगर अच्छा, अगर जैसे आप फेविकोल लगा रहे हो कहीं से, अगर जैसे मोटी हो गई एक तरह से, तो क्या हो जाता है भैया? फिर ये फूल जाएगी एक जगह से। अच्छा, फूल जाएगी, इसलिए आप इस लेयर को पूरी पतली कर रहे हो। अच्छा, और क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखनी पड़ती है? ध्यान रखनी पड़ती है भैया कि किस जगह पर फेविकोल कम लगाए, किस जगह पर ज़्यादा लगाए, एक लेवल ले कर चलना पड़ता है। और फिर इस पर उस पर भी ऐसे लगाना पड़ता है बोर्ड पर भी। और अच्छा, इस पर जैसे फेविकोल चिपका रहे हो भैया, जैसे आपको एकदम से चिपका के एकदम से लगाना है, मतलब आपको उसमें टेप नहीं लगानी, तो आप उसके लिए भी फेविकोल लगाओगे या कुछ और लगाओगे? नहीं भैया, जैसे हमें एकदम से लगाना पड़ता है तो इसके लिए हमें ऐसा लाना पड़ता है, वो एसआर हीटेक्स। अच्छा, हीटेक्स। हीटेक्स, ठीक ठीक। तो उसे साइड में लगा देते हैं, बीच में फेविकोल लगा देते हैं, वो लगा के अपना फिर इसको रख देते हैं थोड़ी देर सुखा के। तो आप इसमें ये ध्यान रखिए कि अगर आप लैमिनेट या माइका लगा रहे हैं तो आपकी जो फेविकोल की लेयर है वो काफ़ी हद तक पतली ही रहनी चाहिए, अदरवाइज़ वो लैमिनेट फूल जाएगी और आपका जो लुक आना था लैमिनेट लगने के बाद वो ऐसा लुक नहीं आ पाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो आपको हमारी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन उठता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और अगर आप कोई नई टॉपिक के साथ हमारी वीडियो चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं कोई भी नए टॉपिक के साथ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है।